वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है वो मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। अपनी डाइट में काफ़ी चेंजेस किए हैं मैंने, तो ज़्यादा चीज़ें मैं हेल्दी यूज़ कर रही हूँ। मेन ग्रॉसरी है वो तो कर चुके हैं हम लोग, जो मेन खाना पकाने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अभी तक नहीं ली थी। बच्चों के स्नैक्स वगैरह थे और अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। ग्रॉसरी करने के बाद हम घर आके जो है वो मैंने मील प्रेप करनी है। मैंने फ्रूट्स वगैरह बाय कर लिए थे, वेजिटेबल्स भी बाय कर ली थी, तो वो जो है मैंने सारी कटिंग करके रखनी है और सारी वॉश करके रखनी है। तो चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, लेट्स गो। तो सबसे पहला चेंज जो मैंने अपनी डाइट में किया है वो ये किया है कि सारी वाइट जो कार्ब्स हैं उनको मैंने जो है वो ब्राउन या होल ग्रेन जो कार्ब्स होते हैं उनसे रिप्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले जो है वो मैं ब्रेड के सेक्शन में आ गई थी। इनके पास हर तरह की रोटी, टॉर्टिया, नान और ब्रेड वगैरह मिलती है। इस स्टोर से एनर्जी बार्स और जो प्रोटीन बार्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन ये है कि कभी मैं प्रोटीन बार ले लेती हूँ, कभी जो है वो सिंपल एनर्जी बार ले लेती हूँ। इस स्टोर में बहुत अच्छे जो है सैलेड के पूरे बने हुए बैग्स मिलते हैं, वो ऑलरेडी वॉश्ड होते हैं, बस ये है कि उनको काटो, निकालो और यूज़ कर लो, वॉश नहीं करने पड़ते। इसी तरह फ्रूट्स भी मिलते हैं। जब भी मैं पाइनएप्पल बाय करती हूँ तो हमेशा ये चेक करती हूँ कि इसका जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ निकल रहा है ईजिली, तो इसका मतलब ये होता है कि फुली राइप है। अगर जो है वो आसानी से नहीं निकलता उसका मतलब है कि जो है वो अभी सही से पका हुआ नहीं है, तो मैं हमेशा वैसा ही बाय करती हूँ। इनका जो फ्रिज और फ्रीज़र का सेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, इनके बहुत स्नैक्स और बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। तो मैं जो उस वक्त थोड़ी हेल्दी शॉपिंग कर रही हूँ तो उस वजह से मैंने ग्रीक योगर्ट बाय किया है, उसमें एक ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसी तरह से जो जूस लेती हूँ उसमें भी मैं देखती हूँ कि 100% जूस होना चाहिए, उसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेट से नहीं बना होना चाहिए। बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी बस ये था कि एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली थी, क्योंकि ये वाला स्टोर जो है इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं बच्चों के हिसाब से, स्नैक के हिसाब से, और उनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग सारी हो गई है, बस अब मैं घर जा रही हूँ। काफ़ी चीज़ें ले ली हैं और चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया मैंने। घर में आ गई हूँ और सारी चीज़ें मैंने अंदर ले आई हूँ, ये ऑलरेडी पेपर बैग्स में, तो मैं सारी चीज़ें बस निकालने लगी हूँ। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। ओट मिल है, इसके जो है मैं नॉर्मल डेरी की जगह जो है ओट मिल्क यूज़ करती हूँ, इसलिए ये जो है बहुत स्टेबल है, तो ये तो मैं हमेशा ही लेती हूँ। और एक जो है 100% जूस लिया था, बच्चों का जूस ख़त्म हो गया था। बच्चों के लिए मैंने आइसक्रीम ले ली थी और जो है वो इसके साथ ये कोन्स ले लिए हैं। तो ये है कि पूरी बार देने की जगह ये है कि थोड़ी सी आइसक्रीम इस कोन में डाल के और बच्चों को सर्व कर दूँ, तो ये है कि इस तरह ज़्यादा जो है वो बच्चे शुगरी आइटम भी नहीं खाएँगे और स्नैक भी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने एक बेबी स्पिनच ले लिया, ये बड़ी मुश्किल से मिला मैदा और कहीं भी जो है ऑल पर्पज़ फ्लोर नहीं मिल रहा था, उस पर भी लिमिट थी कि एक ही ले सकते हैं। ये फुल पैक मैंने स्ट्रॉबेरीज़ का ले लिया था, स्ट्रॉबेरीज तो हमारे बहुत जल्दी ख़त्म जाती हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। थोड़े से बनानास ले लिए। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है वो दो तरह की चीज़ ली थी, एक ये वाली मिशाल को पसंद है तो उसके लिए ले ली थी, और ये वाली जो है मैंने ट्राई करने के लिए ली है। जो स्नैक्स आइटम हैं उनमें जो है वो ये मल्टीग्रेन क्रैकर्स लिए हैं, इसको या तो हम्स वगैरह के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और ये जो है कॉर्न पफ्स लिए थे, ये मिशाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है राइस केक्स हैं, जो मतलब राइस से बने हुए होते हैं, इसके अंदर और कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता, सिर्फ ये ऑर्गेनिक ब्राउन राइस होते हैं या सी सॉल्ट होता है। इसके अलावा ये हस्बैंड के लिए लिए, उनको बहुत पसंद है सालसा और चिप्स, तो वो खाते हैं। उसके साथ ये वाला सालसा लिए एक्स्ट्रा हॉट वाला, तो ये वाला पसंद है तो ये लेती हूँ। ये जो है वो ब्रेड स्टिक लिए, ये बहुत मज़े की होती है और इसको किसी भी चीज़ में डिप करके खा सकते हैं, और ये बनी हुई ऑलिव ऑयल से। उसके अलावा जो कॉन्डिमेंट्स मैंने लिए थे, ये मेरी सबसे फेवरेट हैं, जो ये वाला स्टोर है ट्रेडर जो उसका, इसमें बहुत अच्छे कॉन्डिमेंट्स मिलते हैं, बहुत मज़े की चटनियाँ वगैरह स्पाइस वगैरह मिलते हैं, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो ये सन ड्राइड टोमेटोज़ हैं, इनको ऑलिव ऑयल के अंदर जो है डिप करके रखा हुआ होता है टोमेटोज़ को, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और ये जो है सीजनिंग जो है ना बहुत मज़े की है, ये किसी भी चीज़ पे डाल के ना इस तरह मज़े से खा सकते हैं। हलपिनोज़ हैं हॉट एंड स्पाइसी, तो देखेंगे। और ये सबसे फेवरेट मेरी चॉकलेट है, ये 85% है, इससे ज़्यादा डार्क में खा सकती हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता, तो फिर ये वाली जो है जैसे खाने के बाद इस तरह से, ये हेल्दी स्नैक है। ये जो है फ्रूट स्प्रेड है, अगर आप जैसे जेली वगैरह या जो जैम खाते हैं उसकी जगह अगर फ्रूट स्प्रेड खाएं तो इसके अंदर जो है शुगर नहीं होती और ये एक्चुअल फ्रूट से बना हुआ होता है। इसके अलावा ये मैंने जो है वो ये भी ट्राई करने के लिए लिया है, ये ग्रेनोला है। तो मैं क्या करती हूँ,
जैसे मैंने ये बाय किया, तो ये मेरा फेवरेट ग्रीक योगर्ट है, तो मैं इसके ऊपर ये डाल के और फिर फ्रूट्स वगैरह डाल के इस तरह खा लेती हूँ। आर्स लिए मैंने, इसके अंदर भी देखें आप, सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, डेट्स, पीनट बटर है, पीनट्स हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं और सी सॉल्ट है। इसके 2 पैक्स ले लिए थे, बच्चों के लिए 2 योगर्ट्स लिए थे, ये जो हैं वो अलग अलग पैक में होते हैं तो ईजिली खाने में आसानी होती है। और एक मैंने पाइनएप्पल लिया है, तो इसको मैं कट करके रख लूँगी। रैप्स और इस तरह के जो भी रोल वगैरह बनाने होते हैं ना, उसके लिए अच्छी होती है। इसमें जो है वो व्हीट वाली भी मिलती है और वाइट वाली भी मिलती है, अच्छी है। और इसके अलावा जो है मैंने टॉर्टियाज लिए हैं, जो कि रोटी की तरह होती हैं, इसके रैप्स बना के खाने में ज़्यादा आसानी होती है। सो ग्रॉसरी सारी खरीद ली थी और सारा कुछ मैंने रख दिया है। अब जो है वो मीट प्रेप करने लगी हूँ। मैं सारी जो वेजीज और फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब वॉश करके, उनको कट करके और उसको मीट प्रेप करके फ्रिज में रख दूँगी। तो उससे ये है कि मुझे फ़ौरन से जब भी स्नैक चाहिए होगा तो फ़ौरन मेरे पास अवेलेबल होगा। सबसे पहले जो है वो मैं सारे फ्रूट्स को अच्छी तरीके से वॉश करूँगी। इसमें ये है कि जो हाथ से धोने वाले हैं उनको मैं अलग कर लूँगी, और जो जैसे बेरीज़ वगैरह, स्ट्रॉबेरीज, यर्स बेरीज होती हैं उनको मैं सोक करती हूँ 5-10 मिनट। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हाथ से वॉश करके उनको जो है ड्रेन कर लेती हूँ। सारे फ्रूट्स को इसी तरह मैं वॉश कर लेती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बेरीज़ वगैरह, वो थोड़ी जो है उनका मॉइस्चर हटाने के लिए मैं जो कंटेनर होता है उसके नीचे जो है वो पेपर टॉवल बिछा देती हूँ और स्टेम्स निकाल के जो है वो उनको रख लेती हूँ ताकि मॉइस्चर ना हो। सो ये सारी जो है वो रेडी हो गए हैं सारे फ्रूट्स। ये रेस्पबेरीज, इसके अंदर मैंने पेपर टॉवल बिछा दिया था तो ये अलग कंटेनर में रख दिया मैंने। और ये स्ट्रॉबेरीज हैं, इसके स्टेम्स निकाल दिए थे, इसको भी ग्लास कंटेनर में रख लिया। ये मैंने वाटरमेलन काट के रख लिया था ताकि ये कि ईजिली मैं जब भी मुझे स्नैक खाना हो या जो है फ्रूट का दिल करे तो फ़ौरन से अवेलेबल हूँ बच्चों को देने के लिए। ग्रेप्स अभी जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जिप लॉक्स में रख दूंगी। ऑरेंजेस भी मैंने वॉश कर लिए हैं, वॉश करके मैं इसके अंदर रख देती हूँ। नीचे इसके मैंने इसी तरह पेपर टॉवल बिछा लिया। जिप लॉक में इस तरह डालती हूँ क्योंकि फिर ये पता होता है कि आपको कि एक वक्त में इतना फ्रूट खाना है आपने। जो हाफ फ्रूट्स हैं वो जो कि ईजिली फ्रीज हो जाते हैं उसको मैं स्मूदीज़ के लिए रख लेती हूँ। उसमें बनाना और इस वक्त मेरे पास पीच था, मैंगो भी रख लेती हूँ। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो बस उनको निकाला, स्मूदी बनाई और बस जो है वो पी ली। इससे ये है कि आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि आपने फ्रूट नहीं खाया। फ्रूट्स मैंने कर लिए थे और फ्रूट्स हम लोग असल में कॉस्को से लेते हैं और जो बाकी प्रोड्यूस होता है वो इंडियन स्टोर या जैसे जो भी लोकल स्टोर होता है उस पर मिल जाता है। जो वेजीज थी वो मैंने एक दिन पहले ही वॉश करके रख ली थी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी उस दिन, तो फिर मैंने दूसरे दिन जो है वो उनको निकाल के और फिर उसके बाद उनकी कटिंग की थी और उनको अच्छे से स्टोर कर लिया था। सो यहाँ पे जो है वो सारी वेजिटेबल्स मैंने वॉश कर ली अच्छे तरीके से और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरीके से फुल जो है ड्राई होने दूंगी, एयर ड्राई। उसके बाद उसकी कटिंग करके और फिर उसको स्टोर करूंगी वरना ये ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने जो हरा धनिया पुदीना अच्छी तरीके से धो के और उसको जो है मैंने किचन टॉवल के ऊपर रख दिया। जब ये फुल्ली ड्राई हो जाएंगे उसके बाद इनको मैं जो है वो दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरह इसको स्टोर करती हूँ। उससे ये कि पूरे एक हफ्ते के लिए आराम से चल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि पेपर टॉवल बिछा के उसके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा, जिस तरह जितना बड़ा पेपर टॉवल होता है उसके हिसाब से जो है वो पुदीना और धनिया लेके और उनको रोल करके अलग अलग जो है बंडल्स बना लेती हूँ और फिर उन बंडल्स को जो है वो मैं जिप लॉक में अलग अलग स्टोर कर लेती हूँ। तो जब मैं स्टोर करने लगती हूँ तो उसकी सारी हवा अच्छी तरीके से जो अंदर एयर होती है वो निकाल के और उसके बाद जो है वो उस जिप लॉक को मतलब सील कर देती हूँ। इससे ये कि आराम से 1-2 हफ्ते जो है धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और अगर जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि ये गीला हो रहा है तो मैं इसको जो है पेपर टॉवल को चेंज कर लेती हूँ और वो दोबारा स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैंने वेजीज़ वॉश करके ड्राई करके रखी थी अब उनकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है जो वेजीज़ अच्छे से जो है वो स्टोर हो जाती हैं और फ्रीज हो जाती हैं उनको मैं जो है छोटे छोटे चंक्स काट के और ब्लेंडर में डाल के उनको हल्का सा चॉप कर लेती हूँ, बहुत बारीक नहीं, हल्का सा चॉप कर लेती हूँ। तो फिर मुझे जब भी जो भी वेजीज़ चाहिए होंगी वो मैं निकाल के और यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह से जो है जिस तरह मैंने कैरेट किए हैं उसी तरह से जो है वो मैं शिमला मिर्च भी कर लूँगी और उनको भी जो है वो अलग अलग जिप लॉक में फ्रीज कर लूँगी। उसी तरह से जो है हरी प्याज को भी मैंने स्टोर करके जिप लॉक में रख लिया है। जो खीरे और मूली हैं उनको आधा मैं यूज़ करूँगी और आधा जो है वो मैं स्टोर कर लूँगी और बाकी को जो है मैं स्टिक फॉर्म में काट के और मेसन जार में स्टोर कर लूँगी। फिर ये है कि मुझे हमस के साथ खाने में आसानी होगी। आई होप आज की मील प्रेप से आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।